बेटे वी वर एट ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, तो हमने देखा कि इनकी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी बनती है, तो मैंने आपको पहले भी कहा कि सबसे पहले आपने मेटल को गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना होता है, जो मेटल सॉलिड है वो गैस में कन्वर्ट होता है, जब गैस में कन्वर्ट होता है तो डेल्टा सब्लिमेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसके बाद इसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, नो डाउट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन तो इजिली निकल जाएगा, टू इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयोनाइजेशन इनथैल्पी रिक्वायर्ड है वो ज्यादा होगा, मगर उसके बाद जब एम टू पॉजिटिव बन जाता है उसके बाद ये हाइड्रेटेड होता है, ठीक है, इट विल बिकम हाइड्रेटेड, ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है उतनी ज्यादा रिलीज होती है जितना किसी के ऊपर चार्ज ज्यादा होता है, तो ये जो हाइड्रेशन इनथैल्पी है ये ओवर पावर कर देती है आयोनाइजेशन इनथैल्पी को, दैट इज वाई ये टू पॉजिटिव दैट इज डाइवेलेंट बनते हैं, ओके बेटे, हाँ जी ओके, मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी है, ओके थोड़ा थोड़ा सा फर्क, ओके बेटे, अब नेक्स्ट आ जाओ बेटे फ्लेम कलरेशन, हाँ जी क्या ये कलर देंगे हरी, आपको विल टेल मी क्या ये कलर देंगे बेटे, दिल गिव द कलर और नॉट, यस क्या बता दूं बेटे दोबारा क्या बता दो, ऑक्सीडेशन स्टेट देखो बेटे, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा चाहिए, ठीक है, मगर अगर एक निकालोगे तो कम चाहिए, अगर दो चाहिए दो इलेक्ट्रॉन निकालने ज्यादा चाहिए, मगर जब दो इलेक्ट्रॉन निकल के आयन बनता है उसके बाद वो ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाता है, क्योंकि साइज हो जाता है छोटा, तो उतनी ज्यादा, क्योंकि ये दो चीजें रिक्वायर्ड है, ये रिलीज्ड है, अगर रिलीज्ड ज्यादा होगी रिक्वायर्ड से तो वो रिएक्शन पॉसिबल है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स निकलना पॉसिबल हो जाता है, हाँ यस मैम देगी कलर, हाँ ठीक है, क्यों कलर देते हैं बेटे, व्हाई दे गिव द कलर, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन इनथैल्पी क्या है बेटे, वेरी मच लेस, दैट इज व्हाई दे कैन इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, जो एक्सेप्शंस आ जाती हैं वो बेरिलियम और मैग्नीशियम की आ जाती हैं, क्योंकि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा है, उसकी आयोनाइजेशन इनथैल्पी बहुत बड़ी ज्यादा है, डाउन द ग्रुप हमें पता है आयोनाइजेशन इनथैल्पी डिक्रीज करती है, तो ये जो बाकी बचते हैं बेटे दे विल इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम, ठीक है, ज्यादातर अगर हम देखें तो इनकी रेड फ्लेम आती है फर्स्ट टू की, फिर ग्रीन आ जाती है, और फिर उसके बाद क्रिम्सन, जैसे एक हम कह दें आपको ग्रीनिश सी लगती है, येलोइश ग्रीन सी लगती है, ठीक है, तो यू कैन राइट ब्रिक रेड, ठीक है, जैसे कि ईट वाला रेड हम कहते हैं, चमकता हुआ क्रिम्सन रेड, देन देयर इज एप्पल ग्रीन, और रेडियम के साथ हमने वर्क करना नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे इसकी जो कलरेशन है, ठीक है ओके, अच्छा एक रहेगी बेटे आपकी डेंसिटी, डेंसिटी इनकी अल्कली मेटल से ज्यादा ही होगी, क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि इनका जो साइज है वो छोटा हो जाता है, और जो मेटल अगर साइज छोटा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, डेंसिटी वाला भी आप कर लो, तो ये सारी बेटे इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब आ जाओ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, तो केमिकल प्रॉपर्टी जो सिलेबस में है आपकी रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, दैट इज ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्राइड्स एंड हलाइड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस ग्रुप की करी थी वही सारी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो ऐसे ही चलेगी बेटे, मैम व्हाट व्हेन वी डू हाइड्रोकार्बन्स और फॉर अरीन्स,
यू विल डू बेटे हाइड्रोकार्बन्स अरीन्स, इसके बाद हम पी ब्लॉक खत्म कर ले, फिर लास्ट में वही स्टार्ट करना है, ठीक है? ये आज कल तक ये एस ब्लॉक खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप हम पी ब्लॉक स्टार्ट करके फिर उसके बाद हम खत्म कर लेंगे, ठीक है? फिर आपका सिलेबस विल बी फिनिश्ड, ओके? तो सबसे पहले बेटे ऑक्साइड्स, अगेन जैसे हमने प्रीवियस ब्लॉक में की थी, तो दे आर फॉर्म मोनोऑक्साइड, जो सिंपल ऑक्साइड्स होती हैं। अगर हायर की तरफ जाएंगे तो परऑक्साइड बनेगी, इसमें सुपर ऑक्साइड नहीं बनती, ठीक है? मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेटे पॉजिटिव टू है, तो इनकी ऑक्साइड इस तरीके से बनेगी, दैट इज अ नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड जो फर्स्ट, लेट मी राइट हियर, ठीक, ठीक है? जो फर्स्ट बेटे फोर मेंबर्स है, दीज आर द फर्स्ट फोर मेंबर्स अप टू दिस, ठीक है? ये जो फर्स्ट फोर मेंबर्स है वो आपकी नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो फर्दर मेंबर्स आते हैं वो क्या बनाएंगे? दे आर फॉर्मिंग पर ऑक्साइड, ठीक है? अरे ठीक है, इधर बनी गया, सही इधर बनी गया। Mg, M2 पॉजिटिव है, ये टू नेगेटिव है, तो इसकी ऑक्साइड जो सिंपल ऑक्साइड है MO2 है, और जो MO है, जो पर ऑक्साइड है, वो MO2 है, ठीक है? तो हमने देखा है कि जितने लोअर मेंबर होंगे वो बेटे नॉर्मल ऑक्साइड बनेंगे, हायर मेंबर की तरफ जो है वो पर ऑक्साइड बनेंगे, ठीक है? तो जो बेरिलियम जैसी ऑक्साइड है उसको आपको हाई टेम्परेचर पे हीट करने भी कोशिश करनी पड़ती है कि ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाए, ओके? तो आपको यही याद रखना है कि ये जो लोअर मेंबर है वो नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, जो हायर मेंबर है वो पर ऑक्साइड बनाते हैं। दो नो सुपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड इन दिस केस। नाउ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, ठीक है? अगर हाइड्रोक्साइड की बात करें तो जो पहली बेरिलियम है, ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड की बात करें, इसके बाद जो बेरिलियम है बेटे वो तो रिएक्ट ही नहीं करती जल्दी से। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, स्टार्टिंग कर दो बेटे बेरिलियम से, इसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना, चाहे आप बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर दे दो। मैग्नीशियम जो है, और जो ये नीचे वाली है कैल्शियम है, ये हीटिंग वाटर, और ये आप क्लास 10th में भी करते थे, तो ये हीटिंग वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, और जो नीचे वाले हैं वो नॉर्मली भी रिएक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो हमने क्या सीखा, बेरिलियम ने तो रिएक्ट ही नहीं करना, तो यहाँ पे लगा लो क्रॉस। फिर मैग्नीशियम और जो कैल्शियम है वो बेटे हीटिंग से रिएक्ट करता है, और ये जो बाकी बचती हैं वो रिएक्ट फिर भी कर सकती हैं। तो अगर इनकी जो रिएक्ट नहीं करता उनकी अगर हमने हाइड्रोक्साइड बनानी हो, तो उनको पहले बेटे ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वाटर में डाला जाता है, फिर इनकी हाइड्रोक्साइड्स बनती हैं, ठीक है? तो अगर मैग्नीशियम को आप वाटर में डालोगे तो इसकी फिर भी हाइड्रोक्साइड बनेगी, मगर बेरिलियम को जब आप वाटर में डालोगे तो उसकी हाइड्रोक्साइड नहीं बनेगी। जो वाटर है आपका बॉइलिंग होना चाहिए इस केस में, ठीक है? इन द सेम वे कैल्शियम को जब वाटर में डालोगे तो यू विल गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और वाटर फिर से इसमें भी बॉइलिंग होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठीक है? आगे स्ट्रॉन्शियम बेरियम तो रिएक्ट कर ही जाएगी, ओके? क्योंकि एक्टिविटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, इंक्रीज क्यों होगी, क्योंकि आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होगी, वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देंगे, वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे, जो बेरिलियम है वो रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है? अब आजो जी, बेरिलियम ऑक्साइड अगर हमने इसकी अगर हाइड्रोक्साइड बनानी हो तो हम कैसे बनाएंगे, इसकी ऑक्साइड लेंगे, इसको पानी में डालेंगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगी। अगर बेरिलियम की हाइड्रोक्साइड बन सकती है
बेरिलियम ऑक्साइड को वाटर में डाल के, तो आप किसी भी ऑक्साइड को वाटर में डाल के उसकी बेटे हाइड्रोक्साइड बना सकते हो, ठीक है? किसी की भी ऑक्साइड को वाटर में डाल के आप उसकी हाइड्रोक्साइड बना सकते हो। यस, पहले तो आप बताओ जरा। हाँ जी, गेटिंग द पॉइंट? यस और नो? हाउ मेनी थम्स चैट बंद करनी पड़ती है। हाँ जी, अर्शदीप, गुरसीरज, जपन जोत, अरुण, मानशु, बस हमने ये देखना होता है कि जाग कौन रहे। ओके, उसके बाद आ जाओ बेटे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड में हम एक स्ट्रक्चर भी करेंगे, दैट इज बेरियम हाइड्राइड का, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अभी हम बनाना बॉन्ड भी करेंगे। लेट अस डू हाइड्राइड्स। ऑब्वियसली जब मेटल को आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे, मेटल दैट इज एल्कली मेटल, उसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल की हाइड्राइड ही बनेगी, ठीक है? यू विल गेट मेटल हाइड्राइड। अगर हमने बेरिलियम की, दिस बेरिलियम की हाइड्राइड ऑब्टेन करनी हो तो एक रिएक्शन है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे ही लर्न कर लेना क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है? वैसे आपको लर्न करनी हो बेटे, यू विल टेक बेरिलियम क्लोराइड, दैट इज हाइड्राइड के बाद जो हेलाइड आती है, यू विल टेक एंड रिएक्ट विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, दिस रिड्यूसिंग एजेंट, यू विल रिएक्ट विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एंड यू विल गेट बेरिलियम हाइड्राइड एंड वी हैव टेकन हलाइड, है ना? वी हैव टेकन हलाइड, यू विल बी ऑब्टेनिंग टू हलाइड्स, लिथियम क्लोराइड एंड एल्युमिनियम क्लोराइड। ओके, सो सो सिंपल, यू हैव टेकन अ हलाइड एंड रिएक्ट विद अ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, यू विल गेट बेरिलियम हाइड्राइड द एंड प्रोडक्ट एंड यू विल गेट लिथियम क्लोराइड दैट इज हेलाइड एंड यू विल ऑल्सो गेट एल्युमिनियम क्लोराइड। गॉट द पॉइंट? सो इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, यू आर गेटिंग अ हेलाइड एंड देन इन द एंड यू विल बी गेटिंग अनदर टू हेलाइड्स, मीन्स लिथियम एंड एल्युमिनियम। ओके, एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन इज यू कैन प्रिपेयर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम दिस हाइड्राइड टू, ठीक है? सो यू विल लर्न दिस रिएक्शन लाइक दिस ओनली बेटे, दिस इज द टाइप ऑफ अ प्रॉपर्टी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड फ्रॉम द हाइड्राइड। When you will put calcium hydride into water, you will be forming calcium hydroxide. Okay? And hydrogen gas will be evolved. Now the balancing you will do yourself. Okay? Got the point? So hydride can be prepared by reacting a metal with hydrogen directly, or you can prepare beryllium hydride from its halide by reacting with lithium aluminium हाइड्राइड। सो गॉट द पॉइंट? यस। हु ऑल आर अवेक? दिव्यांशी, सी द टेस्ट टाइम इज ओनली 4 o'clock बेटे, इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट सेंड द टेस्ट लेटर ऑन, द टाइम कांट बी चेंज। ओके, रेस्ट ऑफ द टीचर नाउ कम, वेरी इंपॉर्टेंट द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सी, बेरिलियम हाइड्राइड का एक पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है बेटे। पॉलीमर कब होता है? जब ये सॉलिड फेस में होता है। और एक होता है डाइमर का स्ट्रक्चर, जब ये गैशियस फेस में हो जाता है, ठीक है? इसके बॉन्ड होते हैं बेटे 3 center 2 electron bond, जिसे हम कहते हैं बनाना बॉन्ड, ठीक? लाइक बेरिलियम। अब बेरिलियम है ये मान लो दिस इज वन हाइड्रोजन इज अटैच, नाउ दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज अगेन बेरिलियम, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज लाइकवाइज
दिस इज अ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम हाइड्राइड. ठीक है, ठीक है बेटे. ईच बेरिलियम इज sp3 हाइब्रिडाइज, 1, 2, 3 बॉन्ड्स आर देयर इन इट एंड ईच एंगल इज नॉट इक्वल टू वी कैन से 120. ये पूरा वो जो कि ट्राइगनल प्लेनर नहीं बनता क्योंकि थोड़ा सा बैंड हो जाता है, तो इट इज नॉट सेम एज दैट. ठीक है, मगर ये जो बॉन्ड है, ये जो वी कैन से दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज नोन एज थ्री सेंटर. दिस काइंड ऑफ बॉन्ड आई विल शो यू, थ्री सेंटर एंड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. हाउ? देखो बेटे, ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है एट ए टाइम, टू तो नहीं दे सकता. ये हाइड्रोजन वन इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो बेरिलियम ये वाला भी वन इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये वाला. तो इसका मतलब इस टाइम थ्री सेंटर बन रहे हैं और टू इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं. तो हम ये कह सकते हैं, देखो जैसे कि गैसियस स्टेट में इट एग्जिस्ट एज डाइमर, तो ये बॉन्ड कैसे बनेगा. देखो ये हाइड्रोजन है, ये बेरिलियम है आपका. ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज अ बेरिलियम, दिस इज अ वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज अदर इलेक्ट्रॉन, दिस इज बेरिलियम. ओके, दिस इज ए हाइड्रोजन अगेन. तो बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इन्वॉल्व हो गया, एक यहाँ हो गया. ठीक है, अब इसका एक यहाँ हो गया, तो यहाँ पे कितने आ गए, टू इलेक्ट्रॉन्स आ गए. इन द सेम वे देयर इज वन इलेक्ट्रॉन हेयर, देयर इज अ वन इलेक्ट्रॉन हेयर. ठीक है, एक बेरिलियम ने मान लो इधर इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस बेरिलियम ने इधर दे दिया और एक इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर करी, क्योंकि इसकी वेलेंस शेल में बेटे टू इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखो. ठीक है, मान लो इसने, अगर इसको तो शेयर करना ही है इसके साथ, इसको तो शेयर करना ही है. अब ये वाली बेरिलियम ने अगर इस हाइड्रोजन को दिया, तो ये वाली बेरिलियम इस हाइड्रोजन को देगी, और हाइड्रोजन का तो एक है ही. तो ये जो बॉन्ड बनता है कुछ इस शेप का बन जाता है, जैसे कि बनाना, तो इसे कहते हैं बनाना बॉन्ड बन गया. ठीक है, द बॉन्ड इज नोन एज बनाना बॉन्ड. ठीक है, इसे कहते हैं थ्री सेंटर, 1, 2, 3 सेंटर एंड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. ठीक है, ओके, गॉट द पॉइंट बेटे. एंड इन केस ऑफ सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्टेड लाइक दिस, दैट इज अ पॉलीमर. एंड इन केस ऑफ गैसियस स्टेट इट विल एग्जिस्ट एज अ डाइमर, दिस इज अ डाइमर. हाँ जी, एनी डाउट? ओके, क्या अभी भी लाइट है, मैं कुछ नहीं हेल्प कर सकती बेटे. ओके, ठीक. तो आपका देखो बेटे, बेरिलियम है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, वन इलेक्ट्रॉन मान लो इसने इसको दिया है, जैसे मर्जी समझ लो. ये बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो इस बेरिलियम ने इसको दिया है, तो हाइड्रोजन का अपना अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया 1, 2, 3 सेंटर एंड 3 1, 2, 3 सेंटर एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड. व्हाट द पॉइंट? यस एवरीवन. हाँ जी, ओके, थम्स अप आ गया. ठीक है, तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपको एग्जाम में डायरेक्टली बनाना आ जाता है कि गैसियस फेस वाला भी बनाओ और अपना जो है पॉलीमेरिक फेस वाला भी बनाओ. ठीक है, यू हैव टू ड्रॉ देन द स्ट्रक्चर. व्हाट द पॉइंट? नाउ कम द नेक्स्ट इज बेटे, रिएक्शन विद हैलोजन्स. तो रिएक्शन विद हैलोजन्स में ऑब्वियसली आप हैलाइड्स बनाओगे. अब हैलाइड बनाने के लिए आप मेटल को डायरेक्टली रिएक्ट कर सकते हो हैलोजन एसिड के साथ, जैसे कि कोई भी HCl, HBr, HF, जो भी लेना है आप ले लो, या उसके ऑक्साइड्स को भी रिएक्ट कर सकते हो, या उसकी हाइड्रोक्साइड को भी रिएक्ट कर सकते हो, या इवन आप उनके कार्बोनेट्स को भी रिएक्ट कर सकते हो. तो लेट अस सी द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. ओके, तो लेट हैलाइड, तो आपने बेटे मेटल को मान लो HX का मतलब ये है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी. ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, MX2, बिकॉज इट इज एल्केलाइन मेटल्स. ठीक है, अगर आप इनकी ऑक्साइड्स ले लेते हो, इफ यू विल टेक ऑक्साइड्स, you will take, you will get
दिस हैलाइड्स प्लस वाटर, ओके, एंड अगेन इफ यू विल टेक हाइड्रोक्साइड, अगेन द सेम थिंग विल फॉर्म. अपने आप बनाओ, चलो सेम हैलाइड्स वाटर सेम, और उसके केस में कार्बन डाइऑक्साइड. जल्दी बनाओ और बैलेंस करो, हरी अप, बैलेंसिंग करो बेटे. हरिया भरिया भरिया, ओके. बेटे ब्लैक बोर्ड में तब के क्लियर करने की बहुत कोशिश की, इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकती बेटे. क्लियर है, ब्लैक बोर्ड क्लियर है, बट वेरिएशन कैसी होती है, लेट अस सी दैट. ओके, अब आ जाओ पहले ऑक्साइड्स के ऊपर. पहले आप इनको सुनो, देन आपको समझ आएगी सारा कुछ. तो वेरिएशन कैसे है इनकी प्रॉपर्टीज की, ऑक्साइड्स की, थी? अब बेटे ध्यान से सुनने वाली बात है कि देखो, बेरिलियम ऑक्साइड जो कि हमने मुश्किल से बनाई है, बेरिलियम ऑक्साइड से हाइड्रोक्साइड, इस ऑक्साइड, ये वाली जो ऑक्साइड है, सिर्फ ये वाली बेटे कोवलेंट होती है, बाकी सारी आयनिक होती है, क्योंकि बेरिलियम का साइज होता है बहुत छोटा. अगेन पोलराइजेशन हो जाती है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ये जो आयनिक बॉन्ड है वो कोवलेंट की तरफ चला जाता है, ठीक है. तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है इज ओनली द कोवलेंट वन, पहली बात, ठीक है, इट इज ओनली द कोवलेंट वन, ठीक. दूसरा, बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड दोनों वाटर में इनसॉल्युबल है. ऐसा क्यों? अगेन बेटे साइज छोटा होने के कारण इसको तोड़ना माइली, एक तो ये तो कोवलेंट ही होगी, इसका साइज छोटा होने के आप तोड़ नहीं सकते. मैग्नीशियम ऑक्सीजन अलग अलग नहीं होंगे, हाइड्रेशन इंथैल्पी नहीं रिलीज होगी, तो ये इनसॉल्युबल हो जाता है वाटर में, ठीक है. और जो बाकी सारी ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल है, ठीक. सारी ऑक्साइड्स वाटर में सॉल्युबल हैं. आप ये देखते हो, आप बचपन में, आपके टेंथ के बचपन में ये वाली रिएक्शन जरूर करते थे. बताओ कहाँ करते थे, आपकी फर्स्ट रिएक्शन आती थी, यू रिमेम्बर, और हम चूना बना लेते थे, है ना. तो आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम से स्लेक लाइम बनाते थे और हीट रिलीज होती थी, ठीक है. तो ये वाली जो ऑक्साइड है, यहाँ से वाटर में सॉल्युबल होना शुरू हो जाते हैं, बाकी वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल हो जाते हैं. हाँ, रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती थी, ठीक है. और जो ऊपर वाली दो ऑक्साइड्स हैं, दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक. इतनी बात समझ आई. और ये वाली जो ऑक्साइड है बेटे कोवलेंट है, बाकी ऑक्साइड आयनिक है. ये वाली दोनों ऑक्साइड हैं वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, ओके. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये जो सबसे ऊपर आपको ऑक्साइड नजर आ रही है, ये ऑक्साइड सिर्फ एम्फोटेरिक है, ठीक है. हालांकि ये सारे क्या होने चाहिए, बेसिक होने चाहिए, क्योंकि ये मेटल्स हैं, दैट इज वाई इनके ऑक्साइड जो है दीज मस्ट बी बेसिक इन नेचर. मगर ये जो ऑक्साइड होती है ये एम्फोटेरिक होती है. अगेन बेटे क्योंकि इसमें कोवलेंसी करेक्टर आ गया, ये जल्दी से नहीं देगी, ये डिपेंडिंग, जब एसिड आएगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगी, जब बेस आएगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगी. तो करवाओ फिर, आप एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करवाओ बेटे. यू हैव बेरिलियम ऑक्साइड, अगर आप एसिड से ट्रीट करोगे तो इट इज एक्टिंग एज अ बेस, यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर. तो कैसा सॉल्ट मिलता है आपको, बेरिलियम क्लोराइड प्लस वाटर, दिस यू विल गेट. You have done this kind of nature in case of aluminium also, है ना. Remember, तो aluminium जैसा base salt मिलेगा. अगर आपको याद हो, aluminium को जब आप NaOH से react करते थे तो sodium aluminate बनता था, ठीक है. तो in the same way अब आपको sodium beryllate मिलेगा. तो हम diagonal relationship भी करेंगे beryllium और aluminium जैसी. You will do the diagonal relationship too.
हाँ जिंक तो बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाता है, जिंक इज ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक यू आर गिविंग अप्रोप्रिएट आंसर, मगर यू हैव टू डू द डायगोनल रिलेशनशिप बेटे बेरिलियम विद एल्युमिनियम। ठीक है, जैसे एल्युमिनियम भी एम्फोटेरिक है, इफ यू रिमेम्बर, जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। ओके ठीक है, अब सेम बेटे बेरिलियम ऑक्साइड को जब NaOH के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? सोडियम बेरिलेट। ठीक है, इट इज ओके गिविंग यू वाटर। अवर रेस्ट ऑफ द ऑक्साइड जो है हमने कहा वो बेसिक है, तो ये अकेले एसिड से रिएक्ट करेंगी, गिविंग यू कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर इन इन द सेम। अगर इफ यू हैव मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट विल गिव मैग्नीशियम क्लोराइड। बैलेंस आप अपने आप कर लिया करो, अब यू आर गेटिंग मेच्योर, बैलेंसिंग 10th स्टैंडर्ड तक सिखाई जाती है। ठीक है, तो ये सारा बेटे था कि ऑक्साइड्स। अब आ जाओ हाइड्रोक्साइड। अब आप मुझे बताओ कि बेसिक करेक्टर हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? यस, इसमें तो इम्पोर्टेंट ही है। हाँ जी बोलो, बेसिक करेक्टर जो है हाइड्रोक्साइड का इंक्रीज करना चाहिए या डिक्रीज करना चाहिए? डिक्रीज करना चाहिए। क्यों डिक्रीज क्यों करना चाहिए? नीचे जाते वक्त अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं, बेसिक रिएक्टर बेटे डिक्रीज क्यों करेगा? हाँ जी बोलो, ये जो हाइड्रोक्साइड है इनका बेसिक रिएक्टर डिक्रीज क्यों करेगा? हाइड्रोक्साइड के दो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो जो मैंने अभी पूछा बेसिक रिएक्टर, और दूसरा आता है बेटे सॉल्युबिलिटी। हाँ जी, ये मैंने आपसे ही पूछना है, बेसिक करेक्टर सॉल्युबिलिटी आई विल एक्सप्लेन। अब इतनी बारी बेसिक करेक्टर कर लिया अभी भी नहीं आया। हाँ जी, ओनली वन हैज गिवन द आंसर डिक्रीज, बाकी क्या कहते हैं? यस हाँ जी, काव्या इज एक्टिव ओनली बट गुरसीरत, हिमांशु, समृद्धि, अर्शदीप, जतिन, जपन, जोत, कोई एक्टिव नहीं है। इंक्रीज, दिव्यांशी सिंह स्टार्ट होने वाला है। ये समझो बेटे बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगा, क्योंकि आपको पता है आयोनाइजेशन इनथैल्पी डिक्रीज होगी। 3D में पेस्ट कर दो, आई विल ट्राई, हमें बोला गया आपके